मुरादाबाद के गांव पृथ्वीपुर के जंगल में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिर जाने से किसान की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना जैसे ही किसानों को मिली तो तुरंत वो मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। किसानों द्वारा आग पर काबू नहीं पाया गया तो उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। अच्छा, लगभग कितने यहाँ पर कितनी देर से आग लगी और कितने बीघे में है? हमारे पास तो जैसे सूचना ये 11 बजे से आग लगी हुई है यहाँ पे गांव वालों को बुलाकर लेकर के निकल गए यहाँ पे कंट्रोल किया गया। फिर आपने सूचना दी किसी को? आप फायर फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ठीक है, फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया। क्या हुआ था यहाँ पता नहीं भैया, हम तो बिजली से ही लगी। बिजली से लगी? कितने बीघे यहाँ आग लगी होगी लगभग? एक बूखा बैठा ट्रैक्टर में उसका खेत जल गया। हजारों बीघे? अच्छा, ये बताइए ये किस वक्त लगी थी और फायर ब्रिगेड को आपने सूचना नहीं दी? सूचना दी थी, सब कुछ जलने के बाद आई है ना। 35,000 की लाइन से आग लगी खेत में। खेत में आग लगी है? कितना बीघा कम से कम यहाँ फसल जल कर लग रहा होगा? अच्छा, आपने यह सूचना नहीं दी फायर वालों को? दी थी पर फोन नहीं उठाया उन्होंने। हो गया, आग लगने की सूचना दी है लेकिन गेहूं में आग लगी। कितने इतना टाइम क्यों लग गया आने में? यहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया। दूसरे गांव में बुझा रहे थे, दूसरे गांव में कहीं और भी आग लगी। क्या ठाकुर द्वारा के लिए एक ही गाड़ी दी गई? हाँ, एक ही गाड़ी। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि इतने बड़े क्षेत्र में एक ही गाड़ी क्यों है? एक ही गाड़ी नहीं, कभी आपने शिकायत नहीं की इस चीज़ की आला अधिकारियों से? हम तो अभी आए यहाँ, दो एक महीने हुए यहाँ। कितना यहाँ नुकसान हुआ, कितने बीघे में आग लगी है? अभी ये लोग बताएंगे कितना नुकसान होया, कितने लोग कैसे। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, काबू पा लिया।